हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन ने एलिवेशन इन बोरिंग पॉइंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद ग्राफ। अब आज इसकी अपन कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। जो अपन ने निकाला था एलिवेशन बोरिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। क्या निकाला था अपन ने? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये अपने ग्राफ से अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया था। क्लियर? अब अपन इसी कैलकुलेशन से, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसके लिए यहाँ पर अपन को क्या करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपने राउल्ट लॉ पढ़ा होगा। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका सॉल्यूशन का लोअरिंग वेपर प्रेशर इसके इक्वल है यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो वी नो डेट डेल्टा पी इक्वल डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और यहां पर एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी क्या होता? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका लॉग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है, तो सो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा ही होगा। क्लियर? आगे बढ़े यहां से। वी नो दैट एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसको अपन किससे लिख सकते हैं? एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल अपॉन सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। और मोल अपन कैसे निकालते हैं, सबको पता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ग्राम मास अपॉन मोलर मास। मोल कैसे निकालते हैं अपन? N इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ग्राम मास अपॉन मोलर मास। तो अपने पास में वैल्यू ऑफ एक्स बी जो अपन यहां पर पुट अप करेंगे वो क्या होगी? देखिए बेटा ध्यान से, एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू, एक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए एम ए प्लस डब्ल्यू बी एम बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इस रिलेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। जब भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसके लिए कोई कॉन्स्टेंट आता है, तो यहां पर बात करेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के एक्स बी। क्लियर? के यहां पर क्या है? एक कॉन्स्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन। डेल्टा टी बी इक्वल टू एक्स बी अपन क्या ले सकते हैं? इस पूरी वैल्यू को पुट अप कर दो यहां पर। तो देखिए के डब्ल्यू बी अपॉन, इसके स्मॉल कैपिटल आप कैसे ले सकते हो? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बात क्लियर है? टी डेल्टा टी बी इक्वल टू के एक्स बी की जगह अपन ने पूरी वैल्यू पुट अप कर दी। बात क्लियर है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। बात करते हैं अपन इफ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसकी बात की अपन ने बेटा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन।
जब आपने डाइनोसोल्यूशन लिया उस कंडीशन में आपका WB/MB वेरी 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 लेस देन WA/MA। गिवन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस, उस कंडीशन में आपकी जो टर्म है, कौन सी टर्म होगी बात देखिए, आपकी जो टर्म है कौन सी टर्म की बात करेंगे, इस वही टर्म, इस टर्म को रिप्लेस करेंगे किससे, WA/MA + WB/MB = WA/MA। कंडीशन क्या है, बिकॉज WB/MB वेरी 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 लेस देन WA/MA, तो अपने पास ये पूरी पूरी ये वैल्यू इससे रिप्लेस हो जाएगी आपकी WA/MA। क्लियर, तो अपने पास अब फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा देखिए बेटा, समझिए, फाइनल फॉर्मूला देखिए, Δ TB = KWB/MB/WA/MA। क्लियर, अब यहां से फॉर्मूला अपन क्लियर कर लेते हैं, KWB/MB into MA/WA। क्लियर, फॉर्मूला सबको क्लियर हो रहा है आपका, ये पूरी वैल्यू मैंने ऊपर पुट अप कर दी, तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है। क्लियर, इसको अपन कैसे रिटर्न कर सकते हैं, TB = K into MA WB/MB into 1/WA। क्लियर, फॉर्मूला क्या बन गया आपका, Δ TB = K into MA WB/MB/WA। क्लियर, अब इस कंडीशन में यहां पर अपने पास में टर्म आएगी K into MA, टर्म क्या आपकी K into MA, इसको अपन रिप्लेस करेंगे K into MA = KB। क्या है बेटा ये KB, इसको अपन कहेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। KB क्या होगा आपका, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब फाइनल इक्वेशन अपनी क्या आ जाएगी देखिए, फाइनल इक्वेशन होगी आपकी Δ TB = KB WB/MB into WA। क्लियर हो गया से, अब आपको ये जो टर्म है इस टर्म को अपन किसी कंसंट्रेशन टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, इस टर्म को अपन किससे, कंसंट्रेशन टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं WB/MB into WA। तो इसको अपन यहां रिप्लेस करेंगे इससे, मोलेलिटी से, इससे रिप्लेस करेंगे बेटा इसको मोलेलिटी से, तो मोलेलिटी को अपन किससे रिप्लेस करेंगे लिखेंगे यहां पर, मोलेलिटी को अपन लिखते हैं स्मॉल एम से, लिखते हैं स्मॉल एम से, तो फाइनल रिलेशन आ गया आपका Δ TB = KB/m, ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया है जिससे अपन यहां पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।